और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। बर्बादी का मुआवजा देना होगा, बारिश से हुई फसल बर्बादी का मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, ये करा जिंदाबाद, 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 किसानों के लिए। आज SFI वह DYFI के तत्वाधन में एक धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन DM को दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल में की गई विद्युत पर बढ़ोतरी को वापस लेने, शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे विद्युत आपूर्ति नियमित करने, विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, जले ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के भीतर बदल जाने, बिजली का निजीकरण रोके जाने, छुट्टा जानवरों से हो रही फसल बर्बादी को रोकने की फसल की लागत का 1.5 गुना दाम देने, बरसात से हुई किसानों की बर्बाद फसलों पर धराशायी मकानों पर उचित मुआवजा किए जाने पर किसानों की खरीद सुनिश्चित किए जाने आदि मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांग जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इसके अलावा 10 सितंबर को 2019 को बेजापुर गाँव में लड़की के साथ बलात्कार एवं नृशंस हत्या की घटना की न्यायिक जांच हो रही है कि देरी गांव पिपरी हलियापुर विकासखंड बल्दी राय में गोमती नदी पर बना नवनिर्मित बांध के टूट जाने की जांच, आबादी की जमीनों पर जबरिया आदि समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी सुल्तानपुर को ज्ञापन सौंपा। सुल्तानपुर से संतोष कुमार पांडे की। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न